रोहतास में आग में झुलसकर एक महिला की मौत हो गई है। घटना दिनारा थाना क्षेत्र के सेमड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई है। इस हादसे में मनीषा देवी की झुलसकर मौत हो गई है, साथ ही झोपड़ी में भी आग लग गई है। बनावे खातिर जे वहीं अपन सिलेंडर खुलल बा बंद देना लाकल बा मोड़ाई के घर रहे लहक गई अब दीप पीला से गैस तो अब निकाल। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने सिमरी अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कुव्यवस्था पर नाराजगी जताई, वहीं अस्पताल के कर्मचारियों को भी फटकार लगाई। जो रात में कल अस्पताल में गए तो वहाँ बस एक डॉक्टर थे और वो भी ड्यूटी पर नहीं थे, वो भी कहीं सोए हुए थे। वहाँ सफाई की कमी है, सरकार की तरफ से जो हर हफ्ते नए चादर नए रंग का पॉलिसी में वो सब वहाँ नहीं था, तो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में, अनुश्रवण की मीटिंग है और इसमें भी हम वहाँ पर इस अस्पताल के मामले को हम फेस करेंगे। मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पाली मोड़ के पास चोरों ने एक किराना दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाने से महज 100 गज की दूरी पर स्थित एक किराना दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 40,000 कैश चोरी कर ली। मुजफ्फरपुर में एक पुलिसकर्मी के चेहरे पर खौलता चाय फेंकने का मामला सामने आया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र का है। अतिक्रमण हटाने के दौरान SKMCH चौकी के एक प्रभारी जमादार सुमन जी झा के चेहरे पर महिला चाय दुकानदार ने खौलता चाय फेंक दिया, जिससे उनका चेहरा और गर्दन झुलस गया। पदाधिकारी हमारे SKMCH में सुमन झा रहते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि आप ठेला को थोड़ा सुसाइड कर लें ताकि आने जाने वाले को परेशानी ना हो। इसी को लेकर महिला के द्वारा उनको झंझट कर दिया गया और झंझट करने के बाद वो चाय बना रही थी, केतली को चाय गर्म करके गर्म चाय को केतली को फेंक दिया, पुलिस पर फेंक दिया है। हाँ, पुलिस पदाधिकारी सुमन झा के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे पूरा चेहरा झुलस गया। मसौढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर चालक बिंदु कुमार को भी अरेस्ट किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पटना के ईंट व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक पिस्टल, 2 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हालांकि मामले का मुख्य आरोपी कृष्ण मुरारी अभी भी फरार है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। रनगांव स्कूल के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की गई और बीजेपी के कई नेता बिना मास्क लगाए ही कार्यक्रम में शामिल होते दिखे। कम खेत में सबसे ज्यादा जहां उत्पादकता होगी, हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे, उत्पादन तो अगर आपका 200 बीघा जमीन है तब 200 अनाज पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर 200 बीघे जमीन में आप अगर 1200 मन अनाज पैदा करेंगे, इसका मतलब आपके खेत की उत्पादकता बढ़ी। कैमूर पुलिस ने जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले आरोपी लक्ष्मण चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 10 दिन पहले जंगली जानवरों का खाल बरामद हुआ था और इस मामले में पेंगोलिन की तस्करी करने वाले लक्ष्मण चौधरी फरार था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। अधौरा थाना क्षेत्र से वन्य जीवन वन्य प्रतिबंधित वन्य जीव जो है उनकी तस्करी करने वाला एक पूरा गिरोह पकड़ा गया था। उसमें एक व्हाट्सएप पर एक लेपर्ड का फोटो था एक अपराधी के पास, उसकी बरामदगी हुई है भरवान कला गांव से। साथ ही पेंगुलिन के स्कल पकड़े गए थे। मसौढ़ी में आर्यभट्ट परिवार मंच की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। बढ़ते ठंड को देखते हुए मंच की ओर से शहर के कई इलाकों में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, जिससे गरीब गुरबों के साथ साथ राहगीरों को भी इसका लाभ मिल सके। मंच के इस कार्यक्रम की शुरुआत मसौढ़ी स्टेशन परिसर से की गई।